देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, आपको पता है कि 2014 से 2019 पूरे 5 साल हम लोगों ने हरियाणा की जनता की पूरी सेवा की है। विकास के काम भी प्राप्त कराए हैं, चाहे यहाँ की रेलवे लाइन का विषय हो, चाहे यहाँ का नेशनल हाईवे बाईपास का विषय हो, यहाँ पर बहुत बड़े काम भी हमने कराए। सामान्य जनता के उनके सुख के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हमने बदली। आपको पता है कि सरकारी कामों में आपको नगर पालिका के पार्षद से, गांव में सरपंच से लेकर ऊपर डीसी ऑफिस तक कई बार अपने कामों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। हमने धीरे धीरे उन सब विषयों को वहां ना जाकर अपने घर बैठे सुविधाओं का लाभ ले लें। कोई एप्लीकेशन देनी है, अपनी शिकायत सीएम विंडो में करनी है, ई दिशा केंद्र, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, इनके माध्यम से आप अपनी बात सीधी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चाहे व्यवसायी लोग हैं, उनके लिए भी हमने एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भाई बहनों, सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सुन लो सुनना नहीं। तो इसलिए भाई बहनों, आपकी सेवा के लिए लगातार हमने 5 साल एक करके लगाए हैं। अब तो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि अगर आपको हमारी सरकार के काम पसंद हो तो आप अगले 5 साल के लिए भी आप अपना आशीर्वाद दें। आप अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जितने काम हैं, बहुत काम छोटे बड़े अभी भी बचे होंगे, उन सब कामों को पूरा मनोयोग से कामों को पूरा करेंगे। आप हमारा जो टारगेट 75+ का है, आपको मंजूर है? मंजूर है? बार 75 और मंजूर, लेकिन 80 जरूर, 80 जरूर, ठीक है? 75 बार मंजूर, लेकिन 80 जरूर। 80 के बिना भाइयों हमको विधानसभा में मजा नहीं आएगा। आपकी सीट वहां रिजर्व है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आप पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, 80 के सैलाब पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हरियाणा के हर दिल अभी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हासी के अपार जनसभा से वर्षा कर रहे हैं। आपका यहाँ पहुँचने पे और यशस्वी मुख्यमंत्री के विचार सुनने पे, उनको आशीर्वाद देने पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माताएं, बहने, बुजुर्ग, बच्चे सभी आए। माननीय मनोहर लाल जी आपके बीच से आपका आशीर्वाद लेने, हांसी की जनता को धन्यवाद देने। और भाई तुम्हारे पेड़े बहुत मीठे हैं, मुख्यमंत्री जी ने खाए हैं पेड़े। आप पेड़े मुख्यमंत्री जी को खिलाने आए इलेक्शन में, और बढ़ चढ़ के पेड़े खिलाओ भारतीय जनता पार्टी को। आपकी सारी समस्याएं हल होंगी, आपके सारे टुकड़े आएंगे। 5 साल में आपने देख लिया यात्रा हो जाए।
बहुत शुक्रिया। काफी बड़ा सौभाग्यशाली है कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपके बीच से गुजर रहे हैं, आपको धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्रसाद खिलाते हुए आपके बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहुंच गए हैं और हंसी की सड़कों पे उभरा भाई लोकेश देगा जी, भाई लोकेश देगा जी रथ के पास आए। एम नीचे का माइक बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी भाई लोकेश टुटेजा बहुत ही लोकप्रिय हमारे सभी कार्यकर्ता है। भाई लोकेश जी रथ के पास आ जाइए, रथ के पास आ जाए। प्रवीण बंसल जी, वीरेंद्र सोनी जी, दिनेश गोयल जी, हमारा जिला विस्तारक भाई आशीष जी, सौमवीर कलकल जी, लंकेश जी, हीरा लाल जी, एक सेकंड मधु बंसल जी, लंकेश जी को ऊपर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सर्वेश सोनी जी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का। मंदीप जांगड़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री सभी का स्वागत करते हुए भारत माता की। उनको दे दिए मल्टी कैम वालों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया। भारी तादाद में आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने उनका भाषण करने आए और आपने आशीर्वाद को दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और समर्पित मुख्यमंत्री आपके बीच से गुजर रहे हैं। आशीर्वाद
के साथ सरकारी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भारी तादाद में हम पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भाई नवीन कोशी और कौशी के सभी साथी भाई नवीन कोशी गाड़ी के पास आ जाएं, आगे आ जाए। हमारे वित्त मंत्री भाई जगदन अभिमन्यु जी हमारे बीच पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भारी तादाद में हम जनसभा उमड़ कर गया है। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस यात्रा में हमारे लोकप्रिय सांसद जनरल डीपी वत्स जी, भाई ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रोफेसर छत्रपाल जी, राजेश ठकराल जी, प्रोफेसर मंदीप मलिक जी, प्रवीण बंसल जी, उत्तर सिंह सैनी जी, विनोद मेहता जी, विनोद भाणा जी, नवीन कौशिक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आप सभी भारी तादाद में पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन कौशिक ने जो ये शानदार मजमा पेश किया है, जो अपार जन समूह पेश किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री से मिलो ताकि नीचे आशी की जनता, इस अपार जन समूह जो इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए भाई नवीन कौशिक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माताएं बहनें भाई, इतनी भारी हासी निवासियों, भाई बहनों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप लोग, अरे ढोल बंद करो, ये ढोल बंद करो, ढोल ढोल बंद करो, ढोल बंद करो, गोड़ी ढोल बंद करो। भारत माता की। भाई बहनों, हासी के इस स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में भाई नवीन कौशिक और अन्य सभी यहाँ जो नेता आए हैं, उन सब के बुलावे पर आप लोग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इधर हमारी माताएं बहनें भी खड़ी हैं, इन सब लोगों ने हमारी इस यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, जैसे पिछले 5 साल हमने बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से आपकी सबकी सेवा की, विकास के काम बहुत किए, अगर ये लगता है कि हमने अपने 5 साल आपकी ठीक सेवा की है, तो आप हमें अगले 5 साल का भी आशीर्वाद दें, यही निवेदन करने के लिए आए हैं। अगले 5 साल का आशीर्वाद, अगले 5 साल का आशीर्वाद आप देंगे, आप देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले से ज्यादा गति से हम आपका काम करेंगे, समाज का हित करेंगे, विकास के काम कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, भाई नवीन को नवीन कौशिक ने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया।